नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीएससी की एक और नई सर्विस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। जी हां दोस्तों, सीएससी ने अब ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिलाना शुरू कर दिया है, जिस पर बीएलई अच्छी खास आमदनी कर सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, बीएलई को यहां पर अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। इसमें जो है, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया जाएगा वो सीएससी सेंटर पर आसानी से दिया जा सकता है, जिसमें बिना किसी आरटीओ के जाए आसानी से लर्निंग लाइसेंस जो है बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे ये टेस्ट होता है, कहां से इसके लिए आपको लॉगिन करना होता है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको आना होगा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे, लॉगिन पे करिए क्लिक, और जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है यहाँ पर डालिए, कैप्चा कोड भर के कर दीजिए लॉगिन। लॉगिन होने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब आपको इस नई सर्विस का यूज करने के लिए आपको चलना है सर्च पे, और यहाँ पर आपको एक नई सर्विस को सर्च करना है जिसका नाम है, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है ई वाहन। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ई वाहन। जैसे ही लिखेंगे तो देखिए ये सर्विस आ जाएगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस ई सारथी। इस पर आप क्लिक करना है, इस प्रकार से पेज आएगा, और यहाँ पर आप लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे करिए क्लिक। ये आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से हो जाएगा लॉगिन। चलिए कुछ सेकंड का वेट करते हैं हम। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विस का जो पोर्टल है वो लॉगिन हो गया है, जहां पर हमें सभी प्रकार की ई वाहन सेवाएं दी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम आएंगे वाहन सर्विस पे। जैसे हम वाहन सर्विस पे आएंगे तो देखिए इस प्रकार से इसकी सारी सेवाएं हमें दिखाई देंगी। इसके बाद देखिए हमें नीचे चले आना है, और यहाँ पर लिखा है देखिए सारथी सर्विस, और यहाँ पर देखिए जब हम आएंगे तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी लर्नर लाइसेंस है उसके लिए हमें एग्जाम दिलाना है, उसका टेस्ट दिलाना है। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सब कुछ देख लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने स्टेट का चयन करना है। तो चेंज स्टेट पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप चेंज स्टेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि आपको अपने स्टेट का चयन कर लेना है। तो चलिए हम स्टेट का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, और जो भी हमारा स्टेट है वो चुन लेते हैं। स्टेट को चुनने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा, इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए इस प्रकार से ये जो है पेज खुल जाएगा। अब देखिए पहले ही हम लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन हम सीएससी के माध्यम से टेस्ट दिलाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टेस्ट दिलाना आपको बताएंगे। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, लर्नर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन एलएल टेस्ट, इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जहां पर लिखा है स्क्रीन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे LL यानी कि लर्नर लाइसेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपसे मांग रहा है, जो कि आपको यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो ये कैप्चा कोड भरना होगा, और फिर सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। के बाद इस प्रकार से पेज खुल जाएगा, और देखिए यहाँ पर अब आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। यह पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर आपको मिलता है, अगर आपके मोबाइल नंबर पर आपको नहीं मिला है यह पासवर्ड तो आपको यहाँ पर देखिए एक बटन दिया होगा जहाँ पर लिखा है रीसेंट पासवर्ड। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग ये गलत पासवर्ड डालते रहते हैं और उनका एग्जाम आगे नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड ध्यान रखना है, यहाँ पर आप चाहें तो रीसेंट पासवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि वही पासवर्ड आपको दोबारा आपके मोबाइल पर भेजा जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप ये डेट ऑफ बर्थ सही डालते हैं और अपना पासवर्ड भी सही डालते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से पेज आ जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, आपका ऑथेंटिकेट होगा, जिसके लिए आपके मोबाइल पे दे रहे हैं तो मोबाइल पे कैमरा चालू होगा, और कंप्यूटर पे दे रहे हैं या लैपटॉप पे दे रहे हैं तो उसका वेबकैम चालू हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी और आप फेस वेरिफिकेशन के पेज पर चले जाएंगे। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है तो आपका ऑथेंटिकेशन का जो यहाँ पर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना होता है, क्योंकि अब आपके पूरे फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसका एक पिक्चर बना रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी आप यहाँ पर देखिए प्रोसीड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपको कुछ सेकंड रुकना होता है, और रुकने के बाद जो है जब तक ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होती है तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभार इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे दिखा भी रहा है कि आपकी यहाँ पर प्रक्रिया वैलिडेशन में है, तो आपको इतना यहाँ पर वेट करना होता है। मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक ये प्रोसीड का बटन आपका हाईलाइट हो जाएगा, फिर आपको इस पर ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए इस प्रकार से दिखाएगा टेस्ट के लिए कुछ जानकारी, इसके कुछ रूल्स कुछ नियम है जिन्हें आप पढ़ लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आ जाएगा फ्रंट, जहां पर आपकी फोटो और सारी जानकारी आपको दिखेगी, और नीचे आपसे बोलेगा कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी भी है इंग्लिश भी है, जिसमें देना चाहते हैं दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करिए। एग्री करने के बाद यहाँ पर पिन आएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपका एग्जाम शुरू हो चुका है, और फ्रेंड्स कुछ मामूली से क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं जो कि यहाँ पर रोड पे चलने के जो नियम होते हैं, तो वही आपको यहाँ पर जानना है उसके बारे में, और बेसिक से यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, तो एक एक करके आप यहाँ पर आसानी से आंसर देते जाइए। फ्रेंड्स ये मामूली क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। रोड के चिन्ह पूछे जाते हैं कि किस पे किस चिन्ह पे क्या मतलब क्या होता है, तो वही सारे पूछी जाती है जिनका जवाब आप आसानी से हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं एक एक करके हम यहाँ पर इनके सभी के सवाल के जवाब देते जाते हैं, और फिर लास्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर होता है और कैसे यहाँ पर इसका स्कोर कार्ड आता है। तो फ्रेंड देखेंगे जैसे आप यहाँ पर कंफर्म करते हैं सभी क्वेश्चन का जवाब देके, तो इस प्रकार से लिखा आ जाता है आपका टेस्ट कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं। आपका नाम आता है, आवेदन संख्या आती है, और नीचे लिखा आता है लर्नर लाइसेंस जनरेट सक्सेसफुली फॉर दिस एप्लीकेशन। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपका रिजल्ट तुरंत ही यहाँ पर दिखा दिया जाता है आपका एग्जाम कंप्लीट करने के बाद। जब आप यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा आएगा क्लिक हियर टू प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस, और फ्रेंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लर्नर लाइसेंस लिख के आपके सामने आ जाएगा, यानी कि स्क्रीन पे आपका लर्नर लाइसेंस दिखा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बार ओटीपी से वेरिफिकेशन कराना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और जैसे ही मोबाइल नंबर का ओटीपी डालेंगे और आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लाइसेंस यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है, और फ्रेंड फिर आप यहां से अपने लाइसेंस का जो प्रिंट है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया होती है LL लाइसेंस का जो है टेस्ट यहां पर देने की और यहां पर उसे पास करने की। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही यहां पर आपका एग्जाम कंप्लीट होता है तो तुरंत ही आपके नंबर बता दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको बता दिया जाता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए, और आपका सर्टिफिकेट भी यहां पर दे दिया जाता है, यानी आपका लाइसेंस भी यहां पर दे दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी इस सर्विस का लाभ उठाकर काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।